اللہ تعالیٰ نبیوں کی طرح
harta api gunam se, harta api aafatun se, behayaiyon se, badkariyon se, Allah unki pehle se imaan karte hain. To isliye Hazrat Yusuf alaihi salam ko jab usne daawat di, koi nahi, pure darwaze band kar diye. Hazrat Yusuf alaihi salam ne fauran kaha ke ma'an Allah, Allah ki pehle is tarah ka kaam karo. Aur phir uske shohar ka hawala kiya ke mere सरदार ने तो मेरे साथ इतना अच्छा मामला किया, मुझे अपने घर में रखा और मेरे साथ इतना अच्छा मामला उन्होंने किया, और तुमसे भी उसने कहा कि मेरे साथ अच्छा मामला करना। जिस सरदार ने मेरे साथ इतना अच्छा मामला किया, मैं उसके साथ गद्दारी करूँ, मैं उसके साथ बेवफाई करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। फौरन उसने इनकार कर दिया, लेकिन उसने बहुत फैलाना फुसलाना चाहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पहले से मदद कर दी थी। उनके दिल के अंदर अल्लाह ताला ने ईमान का नूर और नबूवत का नूर रखा था, तो इसलिए अल्लाह ताला की हुक्म से, अल्लाह ताला की मदद से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस मौके पर महफूज हुए। अल्लाह का खौफ उनके दिल में था, तो भागने लगे, दरवाज़ा बंद था, तो भागने लगे, इन पीछे भागने लगे और उनके पीछे से उनको पकड़ा, ऐसे पकड़ने की कोशिश की जिससे उनका जो कुर्ता था फट गया। अब जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने ही वो उसका शौहर किसी से बात कर रहा। अब जैसे ही शौहर को देखा, उसका रंग उल्टा पड़ गया। अब वो चूंकि खुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दावत देकर उनसे गलत काम करवाना चाहती थी, तो दिल में चोट, फौरन उसने कहते यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ अपने शौहर से शिकायत की और कहा, ये देखो तुम्हारी बीवी के साथ गलत काम करने की सोच रहा है, ऐसे आदमी को आप क्या सुना देंगे जो आपकी बीवी के साथ बदकारी करना चाहता है, उसको या तो आप कैद कीजिए या सब सुना दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम मकरा करें कि वो इतनी छोटी मक्का कि मैं इनकार करना, भाग रहा हूँ और बचने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो खुद मेरे पीछे भाग रही है और मेरे खिलाफ शिकायत कर रही है। फौरन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ऐसा मामला नहीं है, उसने मुझे दावत दी गलत काम करने की, मैंने नहीं किया, मैं उसके करीब भी नहीं गया और अपनी सफाई दे। उस वक्त उनके खानदान का एक शख्स, बाल रिवायतों में कहता है एक छोटा बच्चा था जिसकी जुबान से अल्लाह ताला ने बुलवाया, अल्लाह की तरफ से इंतजाम, ये अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। अब उसके लिए जो इंतजाम करवाना होता है उसको भी अल्लाह ताला पहले से तय कर देता है। तो उसने फौरन कहा कि मैं फैसला करता हूँ, अगर इस आदमी का सर सामने से पटा हुआ है तो ये गलत है, पीछे से पटा हुआ है तो वो गलत है, इसलिए कि उसको पकड़ने जाएगा ये जाएगा वो छुपाने के लिए उसका पलंग पकड़ेगा धमकी देने के लिए, तो इसलिए ये गलत होगा। पीछे से पटने का मतलब ये कि भाग रहा था वो पकड़ लेगा। तो फैसला करने के लिए उसने ये बताया कि अगर आगे से उसका कुर्ता फटा हुआ है तो ये गुनहगार है, पीछे से पटा हुआ है तो गुनहगार है। जब तस्दीक की गई कि वो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था, इसलिए गलत पीछे उससे बचने के लिए भाग रहे थे, वो पीछे से उनको पकड़ रही थी, इसकी वजह से उनका कुर्ता फट गया था। और वो जो जिसका जिसके घर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, इनके सरदार और उस औरत के शौहर को बड़े समझदार नहीं आती थे, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था उनके चेहरे होने से वो समझते थे कि हज़रत यूसुफ कोई मामूली शख्स नहीं, ये बहुत बड़े शख्स हैं। तो फौरन समझ गए और उसने कहा कि यूसुफ गलती उसकी है, तुम इस तस्करे को दूसरे से लेकर, इसलिए क्या इसके इतने बड़े ईमानदार आदमी के घर की बात है, अगर बात सबको मालूम हो जाएगी तो फिर इज्जत के लाले पड़ जाएंगे। तो कहा कि आप किसी से मत कहना, और अपनी बीवी से कहा कि तू गुनहगार है, तू तौबा कर, तुम्हारी साजिशें बहुत बड़ी है। तो ये किस्सा यहाँ पर पेश आया, इसकी तफसीर कुरान ने बयान की है, और उस सिलसिले में जो आयतें हैं उसके अंदर भी बड़े बड़े अहकाम हैं, इंशाअल्लाह उसकी तफसीर की कोशिश की जाएगी।
ये वाक्या नौजवानों के लिए बड़ी हिम्मत वाला है। उससे एक बात ये मालूम होती है कि अगर कोई बचना चाहे, नौजवान अपनी हिफाजत करना चाहे, तो अल्लाह ताला हर मौके पर उसकी हिफाजत करता है। अगर बचना नहीं चाहेगा तो फिर अपनी करतूत की वजह से फंस जाएगा। अगर हम अच्छे रहेंगे, नीयत अच्छी रहेगी,